अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो ऑन दिस चैनल तहरीकी टेक। तो फ्रेंड्स कैसे हैं? बहुत से क्रिएटर जो है ना, वो उन्होंने अपना अकाउंट जो है ना पर्सनल से क्रिएटर में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्रिएटर फंड के क्या रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, जिस तरह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जो है ना, मोनेटाइजेशन की इनकी पॉलिसी होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक इसी तरह क्रिएटर जो है ना उसकी भी, टिकटॉक क्रिएटर जो है ना फंड, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती हैं। तीन चार रिक्वायरमेंट हैं, आज की वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा। और जब आपको मैं बता दूं, अगर वो आपकी कंप्लीट है, तो आप अपने टिकटॉक क्रिएटर एलिजिबिलिटी को एक्सेस करके अपना जो टिकटॉक का अकाउंट है वो मोनेटाइज करवा सकते हैं टिकटॉक से। और वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ये कंट्रीज जो है ना वो इस वक्त इसको आयल हैं, इसको एक्सेस कर सकती हैं, और कौन कौन सी इसको नहीं कर सकती। अभी हम आपको बताते हैं जी। आपने वीडियो जो है ना वो मुकम्मल देखनी है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने। मैं आपके सामने अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डर वो ऑन करने लगा हूँ और आपको बताता हूँ। ये जी मैंने टिकटॉक क्रिएटर फंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ इस तरह का गूगल पर आकर सर्च किया, और गूगल जो है वो हमको क्या बताता है, जो भी गूगल बताता है वो 70-80% जो है ना वो करेक्ट होता है, उसमें 20-15 जो है ना इससे जो है वो रॉन्ग हो। तो अच्छा, ये जी हमने ओपन किया हुआ टिकटॉक क्रिएटर फंड रिक्वायरमेंट, दे आर एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब आपकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद देर आर अकाउंट एट लीस्ट 10,000 फॉलोअर, ऑथेंटिक फॉलोअर नॉट परचेज, आपके 10,000 फॉलोअर होने चाहिए जो कि आपके रियल हों, जो कि आपने परचेज ना किए हों। अच्छा, उसके बाद देर आर वीडियो हैव रिसीव्ड एट लीस्ट 1 लाख ऑथेंटिक व्यूज इन द 13 डेज हैव रिसीव्ड। अच्छा, आपके लास्ट 30 दिन के अंदर 1 लाख वीडियो व्यूज होने चाहिए, जो आपकी टोटल वीडियोस पर भी हो सकते हैं, आपकी एक वीडियोस पर ही हो सकते हैं, आपकी 10 वीडियोस पर भी हो सकते हैं, और आपकी 20 वीडियो पर भी हो सकते हैं। उसके बाद जी, दे आर इन गुड स्टैंडिंग विद टिकटॉक यूजर टर्म्स एंड कम्युनिटी गाइडलाइन, उन्होंने रखी हुई है रिक्वायरमेंट यूट्यूब की तरह 4,000 घंटे का वॉच टाइम, 1,000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज का उन्होंने कोई चक्कर नहीं रखा। ये सादा सी तीन उन्होंने रखी हुई हैं। 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके 10,000 फॉलोअर होने चाहिए, ऑथेंटिक नॉट परचेज, परचेज नहीं होने चाहिए, और 30 दिन के अंदर आपके जो 1 लाख वीडियो व्यूज हैं वो भी आने चाहिए। उसके बाद जो लास्ट है, आप टिकटॉक की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हो, उसको डी फॉलो ना करते हो, अब जाकर आपके फ्रेंड जो ना इस पर टिकटॉक क्रिएटर फंड जो है उसको आप एलिजिबल हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टिकटॉक जो है ना किस कंट्री में इस वक्त क्रिएटर फंड दे रहा है। देखिए, पहले टिकटॉक क्रिएटर फंड दे रहा था इंडिया में, दे रहा था पाकिस्तान में, दे रहा था बांग्लादेश में, दे रहा था तमाम फिलहाल कंट्रीज में वो दे रहा था। तो बहुत से क्रिएटर, बहुत से जो टिकटॉकर हैं वो उठे, उन्होंने क्या काम किया कि तेरे मेरे, मतलब कि मैंने वीडियो अपलोड की तो सेम वीडियो उठाकर दूसरी वीडियो पर उन्होंने अपने अकाउंट पर अपलोड की, फिर उस बंदे की जब वीडियो वायरल हो रही, दूसरे बंदे ने उठाई वीडियो तो तीसरे बंदे के अकाउंट पर अपलोड कर दी। इससे टिकटॉक को बहुत सी 200 लॉस्ट हुआ, और उसने सोचा कि यार ये क्या बात है, ये क्या माजरा है। तो फिलहाल टिकटॉक जो ना, उसने इतना बड़ा जो चेकर भी है वो लोगों को चेक करने का भी नहीं रखा हुआ था, तो उसने टिकटॉक जो है ना फंड देना बंद कर दिया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन कंट्री में उसने बंद कर दिया। और फिलहाल जो वो चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, तुर्की में जो चल रहा है, और यूएसए, कनाडा, जो इसमें वो फिलहाल अभी तक भी जो क्रिएटर टिकटॉक क्रिएटर फंड है वो फ्रेंड्स दे रहा है। तो आपने इन कंट्रीज में अगर नहीं भी रहते, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक ट्रिक बताऊंगा, उससे अपना अपना अकाउंट टिकटॉक क्रिएटर फंड के लिए एलिजिबल करवा सकते हैं, फिर से फंड लेना आप ले सकते हैं। और लास्ट पर मैं यही कहूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा नीचे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।